आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी आज का जो वीडियो है सीएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर की जो आप वैकेंसी निकल गई थी 451 टोटल पोस्ट है, जिसमें कि 23 जनवरी 2023 से आप लोग फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है। आज का जो मेरा वीडियो आप लोग किस प्रकार से सीएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते जानकारी आप लोग को मेरी वीडियो मिलने वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया, लिंक पे क्लिक करके आप लोग भर्ती देख पाएंगे। यहाँ आने के बाद आप लोग सीआईएसएफ से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलने वाली 451 टोटल पोस्ट है आप लोग की। इसमें आप लोग ऑनलाइन अप्लाई 23 जनवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 तक आप लोग फॉर्म में अप्लाई होंगे, लास्ट डेट से पहले आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। इसके अलावा आप लोगों को वैकेंसी की डिटेल दी गई कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है, इसके अलावा कांस्टेबल ड्राइवर का पंप ऑपरेटर की आप लोग यहाँ पे वैकेंसी नहीं निकल के आई। 451 टोटल वैकेंसी 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हैवी लाइट मोटरसाइकिल विद गियर लाइसेंस आप लोग के पास होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। ये डिस्काउंट की जाए तो 22 फरवरी 2023 से आप लोग डिस्काउंट हो जनरल वाले 21-27 ओबीसी 30 साल 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्या क्या होने वाला है नहीं होने वाने वाला वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, सिलेबस की जानकारी फिजिकल की जानकारी और नीचे आने के बाद आप देखेंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स आप लोग को दी है। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे। तो यदि आप लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है सीएसएफ की वेबसाइट पे लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो आप लोग कांस्टेबल ड्राइवर को लिंक दिया है, इस पर क्लिक करके आप लोग ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट कर देंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया है सीएसएफ की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा, या फिर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन रजिस्ट्रेशन आईडी भूल चुके हैं तो आप लोग फॉरगेट आईडी एंड पासवर्ड पर क्लिक करके यहाँ पे अपना आईडी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग को अपना नाम देना है, जो भी आप लोग का नाम है 10th की सर्टिफिकेट के अनुसार ही आप लोग का नाम होगा। श्री श्रीमती ये सब चीज़ें आप लोग नहीं लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे नाम को आप लोग दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपने कभी नाम चेंज किया है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद जो नाम चेंज किया है उसकी डिटेल आप लोग देंगे। यदि नाम चेंज नहीं किया है कभी तो आप लोग इसे नो रहने देंगे, इसकी डिटेल आप लोग को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप लोग को फादर का नेम देना, जो भी फादर का नेम है पूरा पूरा लिख देंगे, 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही होना चाहिए। फादर के नेम की भी वेरीफिकेशन करेंगे, जी हाँ आप लोग यहाँ पे फादर के नेम की भी वेरीफिकेशन करेंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, मदर का नेम देना है, जी हाँ मदर का नेम भी आप लोग को जो 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार है वही आप लोग देंगे। तो जो भी नेम है आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, पूरा पूरा नाम आप लोग लिखेंगे, फादर मदर नेम अपने नेम के आगे, कोई श्री श्रीमती मिस्टर ये सब चीज़ें नहीं लगाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग को दोबारा से यहाँ पे वेरीफाई करना है, मदर के नेम की एंट्री भी यहाँ पे आप लोग को दो बार करनी है, सर भी आप लोग दो बार हो रही है, ध्यान रखिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाला पेज है। इसके बाद आप लोग को डेट ऑफ सेलेक्ट करनी है, जो भी आप डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने ऊपर सेलेक्ट करी वही डेट ऑफ बर्थ आप लोग नीचे भी यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सभी एंट्रियाँ आप लोगों की दो दो बार हो रही है। इसके बाद आप लोगों को नीचे आना है, जेंडर मेल फीमेल दो भी आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को वेरीफिकेशन करना होगा नीचे, उससे आप लोग दोबारा सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो कैप्चा है सेम टू सेम कैप्चा आप लोग उतार देंगे, कैपिटल में लिखा है कैपिटल में, स्मॉल में लिखा है स्मॉल में आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये सब कुछ करने के बाद आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोगों को नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, जी हाँ जो भी आपका मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर दे देंगे। मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन आप लोगों को दोबारा से करनी है। इसके बाद आप लोगों को ईमेल आईडी देना है, जी हाँ ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी आप लोग बना लेंगे, उसी ईमेल आईडी की एंट्री आप लोगों को दोबारा करनी है। सभी एंट्री आप लोग दो बार होगी। सब कुछ करने के बाद आप लोग आई एग्री पे करना, आई एग्री पे करने के बाद आप लोग को ये कैप्चा दिया गया सेम कैप्चा आप लोग यहाँ पे उतार देंगे। आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोग को सबमिट क्लिक कर देना है। के बाद आप लोग उसे बोल रहा है वन यू सबमिट कैन नॉट मॉडिफाई, एक बार सबमिट करने के बाद आप लोग मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। आप लोग यहाँ पे ओके पे क्लिक होगा, ओके पे क्लिक करने के बाद आप लोगों से बोला जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड वगैरह जो है आप लोगों को मेल और मोबाइल आईडी सेंड कर दिया गया। तो यहाँ से अब आप लोग लॉगिन करना है, अपना नाम मोबाइल चेक कीजिए, लॉगिन ईमेल आईडी चेक कीजिए और इसके बाद आप लोग आएंगे। आने के बाद आप लोग देखेंगे कांस्टेबल ड्राइवर का लिंक है, इस पे आप लोग क्लिक करना है और ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट करना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आप लोग मोबाइल पे नहीं तो मेल पे आप लोग चेक कीजिए, जो भी आया हुआ है वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद आप लोग का जो पासवर्ड आया हुआ है वो पासवर्ड आप लोग अब यहाँ पे डालना है और इसके बाद जो कैप्चा दिया गया सेम टू सेम कैप्चा आप लोग उतार देंगे कैपिटल में, इसमें में जैसे भी दिया न्यूमेरिकल वर्ड वगैरह में। ये सब कुछ करने के बाद आप लोग आपको साइन सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग कांस्टेबल ड्राइवर का लिंक दिया हुआ है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक किया टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद लोग कुछ इंस्ट्रक्शन दिए आप लोग रीड करेंगे। फोटोग्राफ आप लोग को 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, फोटोग्राफ डेट होना चाहिए आप लोग का ध्यान रखिएगा। और आप लोग की जो साइज यहाँ पे दिए 20 से 50 के बी जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए और इसी प्रकार से सिग्नेचर आपका 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग इंस्ट्रक्शन रीड कर लेंगे और तो आप डेट जरूर होने चाहिए।
जो फॉर्म आप लोग के रिजेक्ट कर दिया, मैं इस चीज को आप लोग क्लियर कर दूँ। सारी डिटेल पढ़ने के बाद आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पे फॉर्म में अपने प्रोसेस स्टार्ट है। नेम आप तो पोस्ट किस पोस्ट को लोग प्रीफरेंस दे रहे हैं, ड्राइवर को पहले प्रीफरेंस देंगे या फिर DCPO जिसको भी आप लोग प्रीफरेंस देंगे आप लोग उसे सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि कट ऑफ आने के बाद, यानी कि नंबर आने के बाद आप लोग को किस में किस पोस्ट में आप लोग पहले जाना चाहते हैं, ड्राइवर की पोस्ट है कॉन्स्टेबल, ड्राइवर कम पम्प ऑपरेटर की पोस्ट पर लोग सेलेक्ट कर लेंगे जिसे आप लोग सेलेक्ट करना चाहें ऊपर नीचे। ठीक है, दोनों सेलेक्ट करने के बाद आप लोग नेम सेलेक्ट, नेम नेम वगैरह आप लोग का आ चुका है। अब आप लोगों को फिफ्थ पे पहुंचना चाहिए। फिफ्थ पे आप लोगों को कैटेगरी सेलेक्ट करना है, तो कैटेगरी आप लोग जो आप लोग सेलेक्ट करेंगे, नेम एंड स्टेट किस स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। आप लोग नई नई स्टेट को देख लेंगे। इसी प्रकार जेंडर वगैरह आप लोग का आ गया है, नेशनलिटी आप लोग की आ चुकी है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल आप लोगों से मांगी गई है। सिविल नॉट अप्लाई, यदि आप लोग सिविल से हैं तो यहाँ पे आप लोग सिविल ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। आर्मी से तो आप लोग आर्मी सेलेक्ट करने पर लगेगा। इस प्रकार से सेलेक्ट करने के बाद आपको डिटेल देनी है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, 10th एंड 12th ग्रेजुएशन पोजीशन जो जो भी आप लोगों ने कर रखी है उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पे दे देंगे। ठीक है कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, मैंने ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लिया, आप लोग लेंगे। ठीक है, रिलीजन आप लोग का क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख है जो भी आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आप लोगों से पूछा जाए वी किल्ड इन डिपेंडेंट है जो कि किल्ड हुए थे 1984 दंगे या फिर 2000 गुजरात दंगे में, तो यदि ऐसा है तो यस करेंगे, नहीं तो रहने हिल एरिया, क्या आप लोग हिल एरिया से आते हैं, डू बिलोंग टू हिल एरिया से आते हैं तो आप लोग यस करेंगे, नहीं तो हम लोग नो कर देंगे। इसी प्रकार से एक्स सर्विस में तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। CCISF पर्सनल है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे आप लोग नो रहने देंगे। चलिए सब कुछ होने के बाद आप लोग नीचे आना है। आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडरटेकिंग एंड एक्टोनस बॉडी वगैरह है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। इसके अलावा आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ चुकी है। अब आप लोगों को नीचे आना है, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मतलब आप लोग सभी पे कहीं भी जले करके कटे कोई भी निशान है, ठीक है, कट वगैरह है कुछ भी है तो भी हो, ठीक है, आपके शरीर पे कट का निशान पे भी हो, ठीक है, देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पे नो मार्क यदि है तो ही आप लोग देंगे, नहीं नहीं है तो मार्क आप लोग लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग कट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मान मास्क डिटेल देने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस की डिटेल देनी है। तो परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ की आप लोग निवासी होते होते हैं, तो जो भी आप लोग परमानेंट एड्रेस है उसकी डिटेल आप लोग को यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, पोस्ट आप लोग का क्या लगता है वो पोस्ट आप लोग सेलेक्ट करेंगे, स्टेट आप लोग का कैसा लगता है वो स्टेट आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप लोग की जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट क्या लगती है वो डिस्ट्रिक्ट आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने नीचे आना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है, यहाँ पिन कोड आप लोग का क्या है पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों को कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की डिटेल देनी है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि पत्राचार का पता। अभी आप लोग कहीं और रह रहे हैं तो आप लोग वो एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, दोनों जगह सेम ही है, कॉरेस्पॉन्डेंस परमानेंट एक ही है, आप कहीं और नहीं है तो आप इसे क्लिक कीजिए, अपने यहाँ पे आप लोग भर जाएगा। उनको नीचे आना, नीचे आने के बाद अब आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल दे देनी है। यहाँ पे तीनों की डिटेल आप लोगों की मोटरसाइकिल गियर लाइसेंस वगैरह जो भी लाइसेंस नंबर है वो लाइसेंस नंबर आप लोग यहाँ पे देना पड़ेगा। डेट ऑफ इसी इशू जो भी है आप लोग का MCVWG यानी कि मोटरसाइकिल विद गियर लाइसेंस उस डेट ऑफ आप लोग की लिखी हुई वो आप लोग दे देंगे। और इसके बाद आप लोग को नेम ऑफ लाइसेंस इशू RTI की RTO की जानकारी आप लोग को देनी पड़ेगी। इसके बाद आप लोगों को लाइट मोटर व्हीकल की जानकारी देनी पड़ेगी, नंबर लाइसेंस डेट ऑफ इशू और इसी प्रकार से नेम ऑफ RTI की डिटेल देनी पड़ेगी। इसके बाद जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोग को हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस नंबर देना पड़ेगा, ठीक है, और डेट ऑफ इशू देना पड़ेगा और लाइसेंस इशू अथॉरिटी का नाम देना पड़ेगा RTI भी है, ठीक है। सारी डिटेल आप लोग को जो है लाइसेंस भी दिया हो इसको टाइप ऑफ ID सेट करनी पड़ेगी, यानी कि आपके पास CCID की डिटेल आप लोग को देनी पड़ेगी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो आप लोग देना चाहते हैं, ठीक है। मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है, आप लोग जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लेंगे। और जो भी आप लोगों ने ID सेलेक्ट करी है उसका नंबर आप लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा। और इसके बाद आप लोग डेट प्रिंटेड फोटोग्राफ नहीं फोटोग्राफ डेट प्रिंटेड है या नहीं, नहीं तो यहाँ पे आप लोग को यस करना पड़ेगा। फोटो पर डेट आप लोग की होनी चाहिए, जी हाँ, इस प्रकार का फोटो आप लोगों को होना चाहिए। फोटो पर आप लोग की डेट मेंशन होनी चाहिए, लास्ट डेट से पहले की ही होनी चाहिए, 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी ही होनी है डेट। तो इस प्रकार से आप लोग डेट डाल देंगे, फोटो वोटो बिना कैप के और बिना चश्मे आप लोग खिंचवाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए इस प्रकार से आप लोग यस करने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे आप लोग को जी हाँ फोटोग्राफ आप लोग का विशेष ध्यान आप लोग रखेंगे, नहीं तो फॉर्म वॉर्म आप लोग रिजेक्ट कर देगा। आप लोग कभी कोर्ट के द्वारा कनेक्ट किए गए तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को डिसमिस किए गए तो इस प्रकार से प्रोविजन वगैरह पीरियड तो यहाँ पे आप लोग यस करो, यहाँ पर नो रहने दीजिए, ठीक है, नो 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 नो। इसके बाद आप लोग नीचे आना है, बॉक्स पे क्लिक करेंगे, बॉक्स पे क्लिक करने के बाद एवं प्रीव्यू आप लोग क्लियर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को क्लियर कर दिया गया, एनी ऑफ लाइसेंस इशू बिटवीन लाइट मोटर और वीवी मोटर व्हीकल नॉट लॉस देन 3 ईयर, यानी कि आप लोग का हैवी अभी का हो लेकिन जो लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो 3 साल पुराना ही होना चाहिए, क्योंकि 3 साल का गैप मांगा गया, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, तो 3 साल का एक्सपीरियंस के मतलब यहाँ पे ये आप लोग का 3 साल का गैप होना चाहिए लाइट और
में तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग हैवी ही पुराना हो तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट दोनों में 3 साल का गैप यहाँ पे मांगा गया है। जी हाँ, यहाँ पे ओके करें आप लोग जो है लाइसेंस की डेट को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसी डेट चेंज करी आप लोग का कैंडिडेट डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया। ओके पे आप लोग क्लिक करेंगे, जी हाँ बिल्कुल क्लियर है आप लोग का। यहाँ पे 3 साल का यदि हैवी हैवी का है तो आप लोग का लाइट जो है साल पुराना ही चाहिए, या फिर आप लोग का हैवी है साल पुराना वो है तो भी आप लोग वैलिडिट हैं, या फिर आप लोग ने हैवी अभी बनवाया है लेकिन लाइट आप लोग का 3 साल पहले रहने का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। या फिर आप लोग के पास हैवी और लाइट है वो 3 साल पुराने हैं तो भी आप लोग यहाँ पे वैलिडिट हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जी हाँ, यदि हैवी अभी बनाया है 3 साल का लाइट पुराना होना ही चाहिए, या फिर आप लोग की लास्ट डेट से पहले का हैवी और लाइट 3 साल पुराने हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। सारी चीज देखने के बाद आप लोग फाइनल क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फाइनल सबमिट क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट क्लिक करने के बाद आप लोग ओके पे क्लिक करेंगे। ओके के बाद आप लोग इस प्रकार का पेज ओपन जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि आप लोगों को ऊपर मांगा गया 10th या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग को अपलोड करना है। इस प्रकार से 10th में मांगा 10th या इसके इवेंट और फोटोग्राफ सिग्नेचर, फोटो तो 3 दिन से पुराना ना हो, डेट आप लोग ले लेती हो 20 से 50 KB बीच में होना चाहिए, जेपीजी जेपी फॉर्मेट में रह सकता है, सीने जेपीपीजी जेपीजी फॉर्मेट रह सकता है लेकिन 10 से 20 KB के बीच में ही होना चाहिए। ऊपर ऊपर आपका बर्थ सर्टिफिकेट मेट्रिकुलेशन, तो यहाँ पे आप दोनों ही 10th के सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट जो है आप लोग के 10th के पीडीएफ फॉर्मेट, फोटो सिग्नेचर आप लोग का जेपीजी जेपी फॉर्मेट होना चाहिए। चूज फाइल पर लोग क्लिक करेंगे, जहाँ भी आप लोग 10th का सर्टिफिकेट रखा हो अपलोड कर देंगे। ये आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, ये अपलोड हो गया। अपलोड पे आप क्लिक करेंगे, फाइल अपलोड सक्सेसफुली आप लोग यहाँ पे हो चुकी है, लोडिंग हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से एजुकेशन दोबारा से आप लोग यहाँ पे 10th करेंगे, 10th आप लोग जहाँ भी रखा हो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करने के बाद फाइल सक्सेसफुली हो गई है, ठीक है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे राइट राइट हो गया। इसके आप लोग फोटोग्राफ सेलेक्ट करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक कर जहाँ भी फोटो रखो फोटो सेलेक्ट करके फोटो सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड क्लिक करते ही आप लोग देखेंगे ओके कीजिए, ओके करने के बाद फोटो अपलोड या सिग्नेचर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ भी आप लोगों ने सिग्नेचर रखा होगा सिग्नेचर आप लोग सेलेक्ट करेंगे लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करके आप लोग ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड हो गई। सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद सेम कंटिन्यू आप लोग क्लिक करेंगे, डाटा सेव सक्सेसफुल है, ओके पे क्लिक कीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद जनरल ओबीसी वाले यहाँ पे 100 रुपये पे करने हैं, जी हाँ 100 रुपये पे करने हैं, तो 100 रुपये पे करने के लिए आप प्रोसीड टू पे आप लोग क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। किस तरीके से आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड अदर पेमेंट वगैरह जो जैसे भी आप करना चाहते हैं उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अदर पेमेंट मैं UPI माध्यम से करना चाहता हूँ, इसे सेलेक्ट कर लिया। अब इस प्रकार से आप लोग का पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आप लोग जो है प्रिंट आउट को निकाल कर रख लेंगे। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी, CISF कांस्टेबल ड्राइवर में किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते, कौन कौन से ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, कितने पुराना होती है, इसके अलावा प्रॉब्लम आज वीडियो कवर करके मुझसे पूछे, मैं लोगों को जानकारी दूंगा। अभी मैं उसे विदा लेना चाहूंगा, जान पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, किसी प्रकार की फोटो नहीं, मीटू मीटू आप लोग लगे, थैंक यू।